हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नित्यास किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा शिमला मिर्च, जो कि देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो शायद आप सब लोग इसको बनाना जानते होंगे, लेकिन सब अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत टेस्टी लगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की 4 से 5 शिमला मिर्च ली है और उसका जो डंडी वाला हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से चाकू से घुमाकर निकाल दिया है और अंदर से भी मैं इसके सारे बीज इसमें से निकाल दूंगी। तो इसी तरह से घुमा घुमाकर आप इसके सारे बीज अंदर से निकाल दीजिएगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर से खाली हो गई है और अब हम अपनी सारी मिर्च इसी तरह से खाली कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही ये सारी काट के रखी हुई है, इसके अंदर मैंने पूरा सामान था सब निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिनको कि मैंने उबाल के मैश कर लिया है। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हम एक गैस पर पैन रखेंगे और उसमें हम 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में इसे शेयर भी कीजिए। तो जैसे ही हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच राई, या आप मस्टर्ड सीड जो होते हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, या सरसों भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और जैसे ही जो हमारी राई है वो अच्छे से भुन जाएगी, तो देखिए जो मेरी राई है वो अब भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 2 हरी मिर्च ली है कटी हुई जो कि मैंने इसमें डाल दी है, और 1 मैंने मीडियम प्याज लिया है जिसको कि मैंने चॉप कर लिया है। तो इसमें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस थोड़ी सी पिंक हो जाए इतने ही देर इसको हमें भूनना है। तो देखिए जो मेरी प्याज है वो थोड़ी सी पिंक हो गई है। अब मैं इसमें जो मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए थे जिन्हें मैंने मैश कर लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लगभग हम इसे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर डाल देंगे और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कम से कम 5 मिनट के लिए अब हम इसको अच्छे से मीडियम गैस पर भून लेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और भुन जाएं। तो देखिए अब हमारे आलू बिल्कुल भुन गए हैं और हमारा जो मसाला है वो शिमला मिर्च में भरने के लिए तैयार हो गया है। इसको मैंने निकाल कर 5 मिनट ठंडा कर लिया है ताकि ये आसानी से भर जाए। अब इस तरह से किसी चम्मच की सहायता से, या आप चाहें तो हाथ से भी, आप ये जो हमने होल किया था शिमला मिर्च में इसके अंदर हम सारा मसाला अच्छे से अंदर भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 1 चम्मच से जो आलू है, आलू का जो मैंने मसाला बनाया है वो मैंने इसके अंदर भर दिया है। इस तरह से दबा दबा के उसको अच्छे से हमें फिल कर लेना है, उसमें अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए। और ऊपर इस तरह से आप फिर इसको प्लेन कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम पूरा मसाला इसके अंदर भर लेंगे। ये जो शिमला मिर्च है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो इसको बनाकर 4-5 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है और आप इसको सफ़र में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो देखिए इस तरह से हम अपनी सारी शिमला मिर्च को अच्छे से फिल कर लेंगे। इसको मैंने सबको ऊपर तक अच्छे से भर दिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें 2 चम्मच के लगभग हम ऑयल डालेंगे और जैसे ही जो हमारा तेल है वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच के लगभग जीरा। और जब हमारा जीरा चटक जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तो जो हमने अपनी जो शिमला मिर्च है जिसको कि हमने भर के और तैयार करके रखा हुआ है उनको एक एक करके हम इस गर्म तेल में डाल देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो अपनी शिमला मिर्च है वो ले लेते हैं और एक एक करके इस गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे। जो हमारा जीरा है देखिए वो भी अच्छे से अब हो गया है। तो
चलिए अब हम इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च डाल देते हैं। तो मैं एक एक करके हम अच्छे से अपनी सारी शिमला मिर्च इस तेल में डाल देंगे। जो गैस है वो आपको मीडियम रखनी है अभी, और जब हमारी सारी शिमला मिर्च इसके अंदर डल जाएंगी तो हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को हम सिम कर देंगे। तो देखिए जो 2 मिनट है वो हो गए हैं, और अब जो मेरी शिमला मिर्च है वो एक साइड से अच्छे से पक गई है। अब हम इसको पलट देंगे, तो देखिए ये अच्छे से भुन भी गई है एक साइड से। तो इसी तरह से हमें दोनों तीनों साइड से अच्छे से इसको भून लेना है। तो अब हम इसे पलट देंगे, और जिस साइड से ये अभी भुनी नहीं है उस साइड से हम इसको नीचे कर देंगे। तो सारी शिमला मिर्च पलटने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। और अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, और अब जो मेरी शिमला मिर्च है वो अच्छे से पक गई है, और इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो 1 या 2 मिनट के लिए ही हम इसको ढकेंगे, और बीच में देखिएगा, और ये देखिए अच्छे से भुन गई है, कलर भी कितना सुंदर आया है। और अब जो ये शिमला मिर्च है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से एक बार पलट देंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए आप कोई भी प्लेट या बाउल ले सकते हैं और उसके अंदर इसको सर्व कर दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने इसको थोड़ा सा हरा धनिया से ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और इसे लाइक करना ना भूलें। तो और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।